दोस्तों, अगर आपका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं कहोगे कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। लेकिन हाँ, एक शर्त है। आज मैं आपको जो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आपको उसको रिलीजियसली फॉलो करना होगा, तभी कुछ हो पाएगा, वरना वही होगा जो आज तक होते आया है। देखो दोस्तों, अगर आपने अपनी आदतों को नहीं बदलाना तो कुछ भी नहीं बदलने वाला। आज आप आ तो गए हो इस वीडियो पे, लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको फॉलो ही नहीं किया तो आप फिर से वही क्वेश्चन पूछोगे कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी कुछ बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनना और उसको फॉलो भी करना। मैं गारंटी देता हूँ आपका भी मन पढ़ाई में लगेगा। इस वीडियो में मैं आपको 3 टिप्स बताने वाला हूँ जो कि आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो क्या है वो 3 टिप्स, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। टिप नंबर 3, फाइंड अ रीजन टू स्टडी। देखो दोस्तों, हम जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे एक रीजन है, एक कारण छिपा हुआ है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं आपको बोलूं कि आपको सुबह 4 बजे उठना है, तो क्या आप उठ पाओगे अगर आपकी सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है तो? वहीं अगर यहाँ जल्दी उठने का कोई रीजन आ जाए, मान लो कि अब आपसे कोई ये कहे कि तुझे सुबह 4 बजे उठना है, इसके तुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे, तो अब आप 4 बजे तो क्या रात को 2 बजे भी उठ जाओगे? आपको नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास एक रीजन है, एक कारण है, मकसद है जल्दी उठने का। दोस्तों, यही सॉल्यूशन है पढ़ाई में मन लगाने का। ठीक इसी तरह से आपके पास भी कोई कारण होना चाहिए पढ़ाई करने का। मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अपने आप को काबिल बनाना है, अपने सारे सपने पूरे करने हैं, एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। मुझे एक ही लाइफ मिली है, इसमें कुछ बड़ा उखाड़ के जाना है। जब तक कोई कारण ही नहीं होगा आपके पास पढ़ाई करने का, तब तक आप बहाने ही बनाते रह जाओगे। लेकिन जैसे ही कोई वजह आएगी बीच में पढ़ाई करने की, तो आपका भी मन पढ़ाई में लगेगा और आप कभी नहीं कहोगे कि पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता। टिप नंबर 2, अवॉइड ऑल दी डिस्ट्रैक्शंस। आज के समय में मैक्सिमम बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो डिस्ट्रैक्शंस है। डिस्ट्रैक्शन से मेरा मतलब हर उस चीज़ से है जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाती हो। और हाँ, 90% केसेस में डिस्ट्रैक्शंस कहीं बाहर नहीं होते, आप खुद ही अपने लिए डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करते हो। कैसे? चलो मैं बताता हूँ। मेरे पास तो 3 महीने हैं एग्जाम के, जब 1 महीना बचेगा तब पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। ये आपकी ही बैड हैबिट्स हैं जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जा रही हैं। आपका मोबाइल फ़ोन, जिसमें दुनिया भर की अच्छी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, अगर आप उसका सदुपयोग करते हो तो ये ब्रह्मास्त्र के समान है। लेकिन अगर दुरुपयोग करते हो तो ये किसी भस्मासुर से कम भी नहीं है। मोबाइल का उपयोग करके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन नहीं, इसका उपयोग आप करते हो फालतू के वीडियोस देखने में, दोस्तों के साथ चैटिंग करने में। अब मैंने यहाँ दोस्तों का नाम ले ही लिया है तो मैं आपको बता दूँ, आप उन दोस्तों का साथ छोड़ दो जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाते हों, जो नहीं चाहते हैं कि आप आपकी लाइफ में सफल बनो, जो आपसे जलते हैं, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। क्वालिटी फ्रेंड्स बनाओ, भले ही आपके केवल 5 दोस्त हों, लेकिन वो दोस्त ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे का भला चाहते हों, एक दूसरे को लाइफ में आगे बढ़ने में, सफल बनने में मदद करते हों। और हाँ, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ट्रेंड चल चुका है आजकल, इससे दूर रहना। जब आप कामयाब हो जाओगे तब कर लेना ये सब काम, लेकिन कम से कम ये जो एज है 14 से 25 साल की, इसमें तो संभल कर चलो। ये आपकी लाइफ का वो फेज है जहाँ से बर्बाद होना तो बहुत आसान है, लेकिन आबाद होना बहुत ज़्यादा कठिन है। अगर आप इस एज के दौरान संभल कर चलते हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो, हार्डवर्क करते हो, तो आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपने अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर दिए तो आप पढ़ाई तो क्या, दुनिया के किसी भी मुश्किल से मुश्किल काम पर भी फोकस कर पाओगे। टिप नंबर 1, डू 1 थिंग एट अ टाइम। दोस्तों, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो पढ़ाई करते समय बीच बीच में मोबाइल फोन चलाते हैं। पढ़ाई करो, ना कि पढ़ाई का दिखावा। जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तब आपके पास केवल किताबें होनी चाहिए। मोबाइल फोन हो गया, आपके छोटे भाई बहन हो गए, इन सबसे दूर रहो। कहने का मतलब यही है कि एक समय में केवल एक ही काम करो। अलग अलग जगह एक एक फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलेगा, एक ही जगह पर 100 फीट गहरा गड्ढा खोदने से पानी मिलेगा। एक समय में एक ही काम करो और उस काम में अपनी सारी एनर्जी लगा दो, फिर देखो कैसे आउटपुट आता है। लेकिन अब बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हम मोबाइल फोन से ही पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन स्टडी करते हैं, मोबाइल के बिना तो हमारी पढ़ाई होती ही नहीं है। तो दोस्तों, आपके मोबाइल फोन में जो भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, या वो सारी ऐप्स जो आपके ध्यान को भटकाती है, आपके टाइम को बर्बाद करती है, उनके नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो। तो दोस्तों, आप वीडियो को समराइज करते हैं। आपके पास बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ। पढ़ने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए और यही रीजन एक लगाम की तरह काम करेगा, आपके भटके हुए मन की लगाम, जो आपके मन को, दिमाग को एक सही डायरेक्शन देगा। अगर आपकी लाइफ में कोई मकसद नहीं है तो मकसद लाओ। लाइफ तो वैसे भी मीनिंगलेस है अगर मकसद नहीं है।
दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप डिस्ट्रैक्शंस को जितना मिनिमाइज कर सकते हो करो। डिस्ट्रैक्शंस खत्म होते ही आपकी आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। और एक समय में केवल एक ही काम करो, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई ही करो। बीच बीच में मोबाइल फ़ोन चलाना या अपने छोटे भाई बहन से बात करना, ये सब नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और ऐसी गजब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।